प्लस थ्री एडमिशन आरंभ हो जाउछि एप्लीकेशन अप्लाई करिबा पाई यूजी कोर्सेस लिखाई देखंतु एठी टाइमलाइन फॉर ई एडमिशन माने इंटरनेट रे एडमिशन हबो एवं यूजी कोर्सेस यूजी माने होउछि कौन ना प्लस थ्री कोर्सेस ठीक अछि साम्स रे अप्लाई हबो स्टार्ट हो 2024-25 देखिबा कौन कौन डेट अछि। प्रथम डेट एठी देखिबा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म रे अप्लाई हुए ताको सीएफ बोली कहंती। सीएफ अर्थात कौन ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हबो 3 जून 4टा बेल को अप्लाई करी पारिबे तेणु अवेलेबिलिटी हबो 3 जून को। तेणु वेबसाइट कौन ना www.samsodisha.gov.in आपण कोठु भी को इंटरनेट रे भी बसी को भी इंटरनेट सेंटर रे बसी कंप्यूटर सेंटर रे बसी अप्लाई करी पारिबे। घरु मध्य आपण लैपटॉप मोबाइल द्वारा अप्लाई करी पारिबे। मु सुझाव दोछु जे घरु अप्लाई न करिकि गोटे कंप्यूटर सेंटर को जाई इंटरनेट सेंटर को जाई अप्लाई करंतु एवं अप्लाई करबा समय रे सबु किछि देखंतु भल भाव रे निजर नाम निजर बापांक नाम मांक नाम एवं निजर मार्क केते सबु किछि एससी एसटी कैटेगरी एवं सबु किछि देखंतु। तो ये कौन लास्ट डेट ऑफ अप्लाई लास्ट डेट कौन अच्छी आप्लिकेसन भरबार लास्ट डेट ना 17 जून मान 3 जून रु 17 जून केते दिन ना मात्र 15 दिन। तो 15 दिन मात्र दिजाव जोटा कि 11:45 पर्यंत रेणु सी एफ करेक्शन ऑनलाइन मोड करेक्शन करें 18-19 पर्यंत कौन सी जी भूल अच्छी सी एफ रे माने कौन सी एफ मैंने कमन आप्लिकेसन फर्म जो आप्लाय करेंगे से भूल थे कौन सी करेक्ट करें ऑनलाइन मोड्रे। तापरे तुमर 25 जून रे कौन हम ना पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हम। तो फर्स्ट राउंड सिलेक्शन प्रकाश हम कौन ना 25 जून रे प्रकाश हम। तो सिलेक्शन प्रकाश हो सारापर सिलेक्शन ऑफ स्लाइड फ्रीज फ्लोट ऑप्शन माने स्लाइड फ्रीज फ्लोट ऑप्शन एगुड़िक माने अवेक हो तेणु तुम्हें कौन कर ऑनलाइन माने पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थ्रो साम्स साम्स थ्रो रे तुम्हें पेमेंट करी पारिबो ऑनलाइन पेमेंट करी पारिबो ठीक अच्छे। तेणु ऑनलाइन पेमेंट करिबो जो माने केउ माने पेमेंट करिबे ना देखो स्लाइड अच्छी फ्रीज अच्छी फ्लोट अच्छी तीनोटी ऑप्शन रहिबो। स्लाइड माने कौन ऊपर को जीवा पाई तुम्हें ऑप्शन को चाहू न तुमर जोटी हेची इच्छा नहीं सेटी पढ़िबा पाई तो स्लाइड मारदेल ओके। तापरे फ्रीज मारी पारिबो फ्रीज माने कौन मोर इच्छा अच्छे से कॉलेज रे मोर इच्छा अनुसार हो जाए तो फ्रीज मारिबो फ्रीज मारिके पेमेंट करिबो ठीक अच्छे। नाले फ्लोट ऑप्शन तेणु फ्लोट ऑप्शन माने करिबा को पड़िबो तेणु एठे देख पिला माने फ्लोट ऑप्शन कौन मु तुमको बुझे देबी रिपोर्टिंग ऑफ द एप्लिकेंट्स एट अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग एडमिशन फॉर फर्स्ट राउंड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट राउंड सिलेक्शन रे जो माने भी माने सिलेक्टेड हेले सिलेक्शन हेले पेमेंट कले से माने कौन करिवे ना से माने एडमिशन हेबे 26 तारीख रु 26 जून 9टा बेल करु से माने एडमिशन हेबे 26 रु 29 जून पर्यंत से माने एडमिशन नेबे। डेट अपडेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन द ईस्ट स्पेस सेटा कॉलेज रो काम तुमरो काम नुहे। तापरे प्रोविजनल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट सेकेंड राउंड सिलेक्शन हम 5 जुलाई रे तेणु 5 जुलाई रे सिलेक्शन सेकेंड राउंड हेले तुमको पुणी स्लाइड फ्रीज फ्लोट करवाक पड़ो आ गोटे वीडियो रे तुमको स्लाइड फ्रीज फ्लोट भल भाव बुझे देबी। तेणु 5 जुलाई रे 8 जुलाई पर्यंत सेकेंड राउंड सिलेक्शन। तापरे रिपोर्टिंग करिवे नहीं एडमिशन पाई रिपोर्टिंग करिवे सेकेंड राउंड सिलेक्शन 6-9 पर्यंत रिपोर्टिंग करिवे जो माने फ्रीज करथिबे एडमिशन नेबे। तापरे डाटा अपडेशन हबो तापरे तुम थर्ड राउंड सिलेक्शन अच्छे तेणु फर्स्ट फेज रे एक दिखे थर्ड राउंड सिलेक्शन हबो 15 जुलाई रे तेणु 15-18 जुलाई पर्यंत तुम्हें किए एडमिशन नहीं पार ठीक अच्छे। तेणु तीनोटी माने गोटे फेज रे तीनोटी सिलेक्शन फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड सिलेक्शन बुझे कि सबुठ बड़ कथा है तुम एडमिशन केवठ आरंभ होता जाना दरकार सी एफ कमन आप्लिकेसन फर्म डिटेल्ड मुझे बुझेदेवी पर तेनाली कमन आप्लिकेसन फर्म
এই ফর্মে হি মানে আপ্লাই করা পড়ব আউ www.samsodisha.gov.in রে আপ্লাই করা পড়ব। তিন জুন রু চারিটার আপ্লাই করা পড়ব, তিন জুন রে অপেক্ষা নক চারি জুন রু তুমি আপ্লাই আরামসে করে পারিব, কিন্তু চারটা পিএম রে কুহাইছি, তেমন রাতে সুদ্ধা আসি যাই পারে সি ফর্ম, ঠিক আছে। তেমন মনে রাখতু www.samsodisha.gov.in রে আপ্লাই করে পারে। তিনোটি রাউন্ড আছে ফার্স্ট ফেজ্রে, তো ফার্স্ট ফেজ্রে যে এডমিশন নেই নেবে, তেমন ফার্স্ট ফেজ্রে এডমিশন নেবে, হ্যাঁ ফার্স্ট রাউন্ড কিংবা সেকেন্ড রাউন্ড কিংবা থার্ড রাউন্ডে এডমিশন নেবে, ঠিক আছে। তো এডমিশন সম্পর্কে যে ডেট গুড়া মু তুমি কহিলি মনে রাখিথিব, এবং এই ভিডিওটি সমস্ত শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মচ, রহিলি বন্দে উৎকল জননী।